एक केस तो हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर देख लिया था, दूसरा केस हमें देखना है, ठीक है। सेकंड केस, किसी को कोई डाउट तो नहीं है पिछले वाले लेक्चर में, ये बताओ पिछला वाला जो लेक्चर था उसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? पिछला वाला जो लेक्चर था उसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बेटा सभी एक्टिव रहो यार, आप लोग बार 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 ये मुझे बोलना नहीं पड़े कि हाँ बेटा रिप्लाई करो। चलो ठीक है, फिर शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट है उसका, सेकंड जो पार्ट है उसी में वो हम लोग शुरू करते हैं। केस सेकंड, हमने एक वेक्टर ए लिया था जिसको मल्टीप्लाई किया था हमने कोई भी एक कांस्टेंट से, ठीक है। मान लो हमने कांस्टेंट ले लिया था के, और हमने एक वेक्टर बी डिफाइन किया था, वेक्टर बी इक्वल्स टू के इनटू वेक्टर ए, ये डिफाइन किया था। केस फर्स्ट हमने देख लिया था कि जब के की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो क्या चेंज होगा, तो मैंने बताया था कि मैग्नीट्यूड क्या रहेगा वो के टाइम्स हो जाएगा और डायरेक्शन क्या रहेगा सेम। केस सेकंड देखते हैं हम लोग, केस सेकंड जब के की वैल्यू क्या हो नेगेटिव हो, के की वैल्यू क्या हो नेगेटिव हो, जैसे मान लो -2 हो, -3 हो, -1/2 हो, -1/4 हो, अगर कुछ ऐसी वैल्यू रहती है तो हम लोग वेक्टर में क्या चेंज आएगा वो हम लोग को देखेंगे, ठीक है। तो मान लो अगर के की वैल्यू अगर नेगेटिव रहेगी तो उस केस में हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा वो के टाइम्स होगा, मैग्नीट्यूड हमारा वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड विल बिकम के टाइम्स, विल बिकम के टाइम्स, मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा के टाइम्स, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा रिवर्स, डायरेक्शन विल बी विल गेट रिवर्स, डायरेक्शन विल गेट रिवर्स, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। यानी अगर मान लो सपोज वेक्टर ये इधर की तरफ है और अगर हम एक कोई भी एक ऐसा कॉन्स्टेंट ले रहे हैं जो नेगेटिव है तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या रहेगा के टाइम्स, ठीक है, और डायरेक्शन जो रहेगा वो क्या हो जाएगा रिवर्स। जैसे मान लो सपोज मैंने एक केस लिया कि डी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2a वेक्टर लिया, ठीक है। एक मिनट बेटा जरा होल्ड करना आप लोग, चलो देखते हैं। तो यहाँ से k अगर मान लो सपोज यहाँ पे क्या है, k की वैल्यू -2 है, k की वैल्यू अगर -2 है तो हमारा क्या होगा डायरेक्शन जो होगा, सॉरी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा डबल। ये हमारा सिर्फ ऐसा नहीं देख रहे कि -2 का मतलब वो जीरो से छोटा है, मैंने बताया था कि जब भी अगर एक वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे और उसमें अगर साइन होगा तो साइन हमारा किसके लिए होता है, डायरेक्शन के लिए होता है, ना कि अब ये हम लोग देखेंगे कि वो जीरो से और छोटा हो जाएगा, इस तरह से नहीं होगा। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा डबल, ये हमारा 2 times हो जाएगा बी वेक्टर, और ये अपने पास क्या होगा कि डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा रिवर्स हो जाएगा। जैसे ए वेक्टर का डायरेक्शन इधर है तो बी वेक्टर का डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो बी वेक्टर इक्वल्स टू -2a वेक्टर हमारा कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। वही अगर मान लो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज बी वेक्टर इक्वल्स टू अगर आए -1/3 ऑफ ए वेक्टर, अगर हमें ये दिया हुआ है कि मान लो -1/3 ए वेक्टर है तो ये क्या होगा कि मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा 1/3 होगा। मैग्नीट्यूड 1/3 का मतलब क्या हो गया, ये अगर मान लो सपोज 30 सेंटीमीटर की लेंथ है तो ये कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का, और डायरेक्शन क्या होगा एग्जैक्टली अपोजिट, मतलब ये 1/3 हो जाएगा, और यहां से क्या होगा कि बी वेक्टर इक्वल्स टू -1/3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में बी वेक्टर इधर की तरफ हो जाएगा। ये बताओ क्लियर है क्या सभी को, हाँ ना, क्या याद क्लियर हो गया। अगर वही अब एक बार देखो यार, डिवीजन भी अगर मान लो देखना हो, ठीक है, ये हमारा था मल्टीप्लीकेशन। अब जैसे अगर देखना हो, अगर हम लोग बात करें कि डिवीजन ऑफ वेक्टर विद स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, कि किसी स्केलर से हम लोग डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्टली सेम चीज होगा, डिवीजन में कुछ कुछ और यहाँ पे ज्यादा चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें किसकी, डिवीजन ऑफ अ वेक्टर विथ स्केलर, अगर मान लो हम लोग स्केलर से एक वेक्टर क्वांटिटी को डिवाइड करें, ये भी वैसा ही रहेगा। मान लो अपने ये लिया वेक्टर ए, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, बी वेक्टर इक्वल्स टू सपोज वेक्टर ए बाई टू करना हो या प्लस ले लेते हैं पहले, तो ए बाई टू करना है तो एक तरह से ये क्या है,
कि प्लस वन बाय टू टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, हाँ कि ना ये बताओ, ये हमारा क्या है, अगर ए वेक्टर बाय टू, अगर हमें टू से डिवाइड करना है, यानी हमारा क्या है कि प्लस वन बाय टू टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, ये लिख सकते हैं हाँ या ना, ये बताओ फटाफट, सभी रिप्लाई करो फटाफट बेटा। b वेक्टर इक्वल्स टू प्लस वन बाय टू टाइम्स ऑफ a वेक्टर, यही होगा, प्लस वन बाय टू टाइम्स ऑफ a वेक्टर हुआ, एक तरह से क्या होगा मल्टी, ये अगर हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा और डायरेक्शन सेम रहेगा, यही हमारा b वेक्टर होगा और प्लस वन बाय टू टाइम्स ऑफ a वेक्टर, यही होगा। अगर मान लो हमें ये दे दिया गया कि b वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो गया, तो माइनस ऑफ a वेक्टर बाय टू, मतलब माइनस टू से डिवाइड करना होगा, माइनस टू से डिवाइड करना हो, यानी एक तरह से क्या है, तो माइनस वन बाई टू टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, यही होगा, बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ऑफ वन बाई टू टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, यानी अब क्या होगा, मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा और डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स, तो ये हमारा हो जाएगा बी वेक्टर। क्या ये चीज यहां तक क्लियर हो गया, मल्टीप्लीकेशन देख लिया हमने, डिविजन देख लिया, किसी भी स्केलर क्वांटिटी से एक वेक्टर का, क्या क्लियर हो गया सभी को, हाँ ना फटाफट बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं, सभी का रिप्लाई आना चाहिए बेटा फटाफट बोलो, क्लियर हो गया सभी को, यार सभी एकदम फटाफट रिप्लाई किया करो यार आप लोग। चलो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये हमने देख लिया, जो भी छोटी छोटी बातें देखनी थी वेक्टर से रिलेटेड वो सारा हमने देख लिया, अब हमें क्या देखना है, तो अब हमें देखना है कि रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर कैसे निकालेंगे। पहले हम लोग दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना सीखेंगे, ठीक है, तो पहले एक तरफ से जो है हम लोग ज्योमेट्रिकली कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं वो समझेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। जैसे हम लोगों ने जो दो वेक्टर था या कोई भी अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो कैसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते थे वो हमने देख लिया, अब ज्योमेट्रिकली कैसे दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे वो समझते हैं। तो पहले सबसे पहले तो ये देख लिया जाए कि रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा जो वेक्टर्स होंगे उनका रिजल्टेंट क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। तो देखो टेंथ क्लास में सभी ने वो सीरीज पैरेलल वाला पढ़ा होगा रेजिस्टेंस के बारे में, अभी अभी टेंथ पास किए हो ये तो याद होगा, सीरीज पैरेलल वाला रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे, दो रेजिस्टेंस अगर 1 ओम एक इधर की तरफ 1 ओम रखा हुआ हो और कुछ ऐसे दूसरा हो एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, क्या इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकालते थे, कितना होता था इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट, याद है या भूल गए हो सर, आर इक्विवेलेंट इसका कुछ याद है तुम लोगों को, ये देखे हो कभी जीवन में पहले, आर इक्विवेलेंट क्या निकालते थे इसका, यार तुम लोग 10 पास करके आ रहे हो ऐसे ही आ रहे हो भाई। अच्छा ये बताओ ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, सीरीज में क्या करते थे दोनों जोड़ देते थे, सीरीज में क्या होता था हम लोग दोनों ऐड कर देते थे, 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा 3 ओम, किसी ने बताओ आंसर 1.5 ओम दिया था, यार ऐसे मत करो यार, मतलब 2-4 महीने ये तो नहीं होगा अभी पास हुए हो, तो देखो यार ये 3 ओम जो था ये हम लोग बोलते थे कि इस 1 ओम और 2 ओम का इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो आप ये दोनों रेजिस्टेंस जहां पे या जितना वर्क करेंगे जो भी इनका ये लोग काम करेंगे एग्जैक्टली सेम काम ये भी करेंगे, ये भी अकेला करेगा, फाइन, जैसे मान लो सपोज 1 ओम और 2 ओम का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, यानी इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों मिलके जो काम करेंगे वही ये अकेला काम करेगा, हाँ कि ना ये बताओ फटाफट, इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि आप 1 और 2 ओम लगा दो या फिर मान लो 3 ओम लगा दो, यही करते थे 1 ओम 2 ओम लगा दो, ये दोनों सीरीज में लगाओ या 3 ओम अकेला लगा दो, ये भी अब वही काम करेगा, इनकी कमी नहीं खलेगी कि हाँ यार ये बेचारे 1 ओम और 2 ओम एक रेजिस्टेंस नहीं मिले, ठीक है, ये क्या हुआ 3 ओम बोलेगा मैं अकेला ही काफी हूँ जो ये काम करते थे मैं अकेला यही करूँ, ठीक है। वैसे ही जैसे मान लो सपोज अगर हम लोग बात करें कि अगर एक पर्सन ए अगर देखते हैं, एक पर्सन ए हो गया और एक पर्सन बी हो गया, ठीक है, मान लो ये 10 रोटी खाता है और ये 15 रोटी, और एक तीसरा आदमी अकेले ही अगर 25 रोटी अगर चबा जा रहा है तो ये क्या होगा, इन दोनों को खिलाओ या इसको खिलाओ, बात तो बराबर ही, लगना तो उतना ही है,
या तो इन दोनों को खिला दो या फिर इसको अकेले को खिला, बात बराबर की हाँ कि ना ये बता, हाँ या ना ये बता फटाफट जल्दी से। तो ये क्या बोले कि ये दोनों का इक्विवेलेंट जो होगा ये होगा, अकेला ही होगा, कोई भी एक तीसरा बंदा जो भी है, कि यार इन दोनों को खिला दो या इस अकेले को खिला दो, बात बराबर ही है, मतलब ये दोनों के बराबर अकेला ही काम कर, अकेला ही खाए थे। तो वही चीज हम लोग वेक्टर के केस में क्या हो कि मतलब जो दो या दो से ज्यादा वेक्टर का जो रिजल्टेंट निकालते हैं, उसका मतलब ये होगा कि आप जिन दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, जैसे मान लो सपोज एक आदमी अगर यहां से 3 मीटर चले पहले और फिर उसके बाद इधर की तरफ मुड़ करके 90 डिग्री के एंगल पे 4 मीटर चले, तो वो आदमी यहां से लेके कहां तक जाएगा, इस वाले पॉइंट तक। आप ए से बी फिर बी से सी जाओ या फिर डायरेक्टली ए से सी जाओ, दोनों बात बराबर। आप ए से बी फिर बी से सी जाओ या फिर डायरेक्टली ए से सी जाओ, दोनों एक ही जगह पहुंचाएंगे, हाँ कि ना। अगर मैं बोलूं कि मैं ए से बी जा रहा हूं फिर बी से सी जाऊं या फिर डायरेक्टली ए से सी वाले रास्ते पे अगर इस वाले रास्ते पे चलते हुए पहुंच जाओ, दोनों एक ही जगह पहुंचाएंगे, हाँ या ना, ये बताओ फटाफट। तो एक बार सोचो कि इन दोनों के बराबर ये अकेला काम कर रहा है, ये जो रास्ता है, ये जो वेक्टर है, वो अकेला इन दोनों के बराबर काम कर रहा है। तो हम क्या बोले कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये तीसरा वेक्टर। हम क्या बोलेंगे कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये अकेला वेक्टर होगा। तो रिजल्टेंट आखिर होता क्या है कि ये दोनों मिलकर के दो या दो से ज्यादा जितने भी वेक्टर हैं, अगर उनका हम रिजल्टेंट निकालते हैं, उसका मतलब ये होता है कि ये दोनों मिलकर के जो काम करेंगे वही अकेला ये काम करेगा, और यही हमारा क्या कहलाएगा कि इक्विवेलेंट, या इसको हम लोग बोलते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट बोल सकते हैं, कि इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कौन सा होगा, ये वेक्टर। इसको किससे डिनोट करते हैं, आर वेक्टर से। किससे डिनोट करेंगे, आर वेक्टर से। मान लो अगर सपोज एक आदमी ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जाए, उसके बाद फिर इधर की तरफ जा रहा है, पहले ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, उसके बाद या एक आदमी डायरेक्टली ए वाले से इस रास्ते पे चला जाए, आप इस रास्ते से जाओ या इस वाले रास्ते से जाओ, दोनों सेम ही जगह पहुंचाएंगे, हाँ या ना। ए से बी जाओ, बी से सी, फिर सी से डी जाओ, या डायरेक्टली ए से डी जाओ, दो ये तीनों के बराबर ये अकेला काम करेगा, यानी ये वेक्टर जो होगा ये क्या कहलाएगा, इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट कहलाएगा। हाँ यार भाई, ये तीनों मिल करके जो काम कर रहे हैं वो अकेला ये काम कर रहा है, तो ये वेक्टर जो होगा वो इन तीनों का इक्विवेलेंट होगा या इन तीनों का रिजल्टेंट होगा। क्या ये रिजल्टेंट का मतलब समझ आया सभी को, हाँ या ना, ये बताओ। ये बताओ कि रिजल्टेंट, जैसे मान लो 2 वेक्टर 3 वेक्टर अगर दे दिया जाए हमें, अगर उसका रिजल्टेंट निकालना हो तो उसका मतलब समझ आया कि हाँ यार आखिर हम निकालना क्या चाहते हैं, कि जो दोनों में जो भी 2-3 वेक्टर जिनका हम रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं वो जो मिल करके काम करेंगे वही काम ये अकेला करेगा, यही हमारा क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे कि एक वैसा अकेला वेक्टर जो भी 3-4 वेक्टर का जो भी अगर हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, कि वो एक अकेला वेक्टर जो इन तीनों चारों के बराबर अकेला एक सिंगल अपने खुद से उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करे, वही क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो चलो यार इसके बारे में देखते हैं एक बार, इसके बारे में एक लाइन लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट। पहले अगर हम ज्योमेट्रिकली सीख रहे हैं कि ज्योमेट्रिकली कैसे ड्रॉ करते हैं, बाद में उसका मैग्नीट्यूड वगैरह भी निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे कि रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर वेक्टर इज द सिंगल वेक्टर, इज द सिंगल वेक्टर विच विल प्रोड्यूस, सिंगल वेक्टर विच विल प्रोड्यूस same effect, which will produce same effect as produced by original vector, ठीक है, as produced by
ओरिजिनल वेक्टर, एक अकेला वैसा वेक्टर जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे जो कि सारे ओरिजिनल वेक्टर्स मिल करके प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे ओरिजिनल वेक्टर्स लिख देते हैं क्योंकि रिजल्टेंट की बात हम लोग दो या उससे ज्यादा वेक्टर्स के लिए करेंगे। क्या ये बताओ यहाँ तक सभी को क्लियर? हाँ है ना, ये बताओ रिजल्टेंट का मतलब समझ आया सभी को? किसी को सभी को क्लियर हो गया? तो अभी हम सीखने वाले हैं इसके बाद कि ज्योमेट्रिकली कैसे दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, अभी जो है हम लोग ये देखने वाले हैं कि ज्योमेट्रिकली जो है वो दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। स्टार्टिंग में हम लोग दो वेक्टर्स के लिए देखेंगे, ठीक है, उसके दो लॉ देखेंगे कि कौन कौन से लॉ है जिसके थ्रू हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे, और उसके बाद एक और लॉ देखेंगे जो कि पॉलीगन लॉ बोलेंगे उसको, उसको और तीन चार पांच दस जितने भी वेक्टर्स हो उनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहला जो लॉ है ये होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब याद होगा आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम कैसे निकालेंगे, ये क्या ये बोलता है, ये कितने वेक्टर के लिए एप्लीकेबल है? पहले ये चीज देखो तो दो वेक्टर के लिए, कितने वेक्टर के लिए एप्लीकेबल है? तो एप्लीकेबल फॉर टू वेक्टर्स, ठीक है, एप्लीकेबल फॉर टू वेक्टर्स। जब भी अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हो तो ही हम कौन सा लॉ यूज करेंगे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलो मान लो हमारे पास दो वेक्टर दे दिया, एक वेक्टर ए इधर की तरफ, दूसरा वेक्टर बी ऐसा दे दिया गया। ठीक है, अब ये बोला जा रहा है कि इन दोनों का रिजल्टेंट बताओ। ठीक है, रिजल्टेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आर वेक्टर से, और उसको कैसे लिखेंगे? आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यानी हम ए और बी का रिजल्टेंट निकालना है। तो देखो यार, ये लॉ पहला जो लॉ है ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन हमें ये बताता है कि जिन भी दो वेक्टर का एडिशन करना हो, जिन भी दो वेक्टर का अगर हमें एडिशन करना हो तो क्या करेंगे कि सबसे पहले ये वेक्टर ड्रॉ करूं। जैसे पहले कौन सा रहा? वेक्टर ए। तो लो भाई वेक्टर ए ड्रॉ कर दो। ऐसे मैंने बताया था कि एक वेक्टर को उसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग या उसके पैरेलल आप कहीं भी मूव करा सकते हो, वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये हमने ले लिया वेक्टर ए, ड्रॉ कर लिया वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है कि इसके हेड के ऊपर, पहले वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरा जो वेक्टर है उसका टेल रखना है। ये वेक्टर पहला वेक्टर है, इसके हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर का टेल रखना है। तो ये लो भाई टेल रख दिया आपने। ठीक है, तो अब ये बताता है कि ये ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड्स के द्वारा हमने रिप्रेजेंट कर दिया। कैसे रिप्रेजेंट करना है? कि पहले के हेड के ऊपर दूसरे का टेल हो। तो तीसरा जो क्लोजिंग साइड होगा कौन सा? जो तीसरा जो क्लोजिंग साइड होगा ट्रायंगल का, वो हमें इन दोनों का रिजल्टेंट देगा। यानी यहां से देखो तीसरा क्लोजिंग साइड कौन सा है, यहां से लेके इसको ज्वाइन कर दो, ये तीसरा जो क्लोजिंग साइड है वो क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, और इसी को क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर आर, और आर इक्वल्स टू क्या है? ए प्लस बी। और डायरेक्शन कहां से कहां था? तो पहले के टेल से लास्ट वाले के हेड की तरफ। पहले एक बार और ध्यान से सुनो, उसके बाद बताना कि समझ आएगी। मान लो अपने पास दो वेक्टर हैं ए और बी, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है भाई, तो काम करते हैं। सबसे पहले ये जो लॉ क्या बोलता है कि इन दो वेक्टर को आपको ट्रायंगल के एक एडजेसेंट साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। एडजेसेंट साइड मतलब ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि पहले के हेड के ऊपर दूसरे का टेल हो। देखो पहला वेक्टर बनाया मैंने, इसके सर के ऊपर इसका पैर रखा। तो ये बोलता है कि तीसरा जो क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल होगा, थर्ड जो क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल जो होता है, वो हमारा इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो मैंने ज्वाइन कर दिया। डायरेक्शन कहां से कहां तक? पहले के टेल से लास्ट वाले के हेड की तरफ होगा। तो आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या ये चीज क्लियर हुआ? ये लॉ क्लियर हुआ सभी को? हाँ है ना, ये बताओ क्या ये लॉ क्लियर हो गया? आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस बी, कैसे निकालना है रिजल्टेंट, क्लियर हो गया?
चलो क्या अच्छी बात है। चलो अगला सवाल करते, एक दो मैं बताता हूँ, उसके बाद आपको ही करना है ठीक है। मान लो अपने पास दो वेक्टर ऐसे दे दिया गया, एक वेक्टर बी और दूसरा वेक्टर ऐसे दे दिया गया सी। चलो हमें ये निकालना है कि आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखना है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। चलिए शुरू करते हैं, अपन बी प्लस सी बनाना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बी ड्रॉ करो। ये लो इस वेक्टर को उठाया मैंने, ये ऐसे उठा करके ऐसे बना दिया वेक्टर भी। उसके बाद क्या करना है, तो इसके सर के ऊपर इसको उठा करके रख देना है। ये लिया वेक्टर सी उठाया, ये यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये हमारा वेक्टर सी हो गया। ये लो भाई क्लियर। अब उसके बाद इन दोनों को ज्वाइन कर दो, यही हमारा क्या होगा रिजल्टेंट, जो क्लोजिंग साइड होगा ट्राइंगल का वही क्या होगा रिजल्टेंट। और डायरेक्शन किधर से किधर, पहले के टेंस से दूसरे के हेड की तरफ। आर वेक्टर इक्वल्स टू बी प्लस सी वेक्टर। क्या ये अब समझ आ गया, ट्राइंगल लोग समझ आ गए सभी को, हाँ या नहीं ये बताओ। अगर समझ आया तो बोलो, फिर आगे अगला सवाल अब आप लोग करोगे। क्या सभी को समझ आ गया, थोड़ा भी किसी को भी अगर डाउट हो बेहिचक बोलना कि सर नहीं समझ आया। सभी को समझ आया, यहाँ बेटा शर्माना नहीं है, जो भी अगर आपको नहीं समझ आया बेहिचक बोलना, सर यहाँ पे ये पॉइंट नहीं समझ आया, रिपीट कर दीजिए ठीक है। ये ट्राइंगल लॉ समझ आ गया सभी को, तो चलो यार फिर एक काम करते हैं, पहले थोड़ा स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग ट्राई करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। सभी अपनी अपनी कॉपी वगैरह नोट निकाल लो, वहां पे प्रॉपरली ड्रॉ करना है, और उसके बाद जब मैं ड्रॉ करके बताऊं तो फिर मैच करके बताना है आपको कि हाँ सही है आपका या गलत है। चलो यार देखो, पहला ये क्या बोला गया है, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का, कि ए टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज, टू वेक्टर्स आर कितने वेक्टर के लिए एप्लीकेबल है, दो वेक्टर के लिए। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज एडजेसेंट साइड ऑफ ट्राइंगल, एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्राइंगल ठीक है, सच दैट कैसे एडजेसेंट साइड्स के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करना है, सच दैट टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर, टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर इज ऑन द हेड ऑफ, इज ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ठीक है ना। ये स्टेटमेंट वगैरह लिखना भी जरूरी है, ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ठीक है। Then closing side of the, then closing side of the triangle, closing side of triangle, closing side of triangle will give the resultant of, will give the resultant of, क्या देगा वो, resultant of two vectors ठीक है। और एक और चीज, इसका डायरेक्शन किधर से किधर, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ, बेटा डेफिनेशन है कि अगर कुछ नहीं समझ आए कहीं पे लगे कि हाँ ये वाला पॉइंट थोड़ा पता नहीं क्या लिखा गया है, नहीं समझ आया, वो भी पूछ सकते हो, कुछ भी पूछना हो बेहिचक पूछना है आपको, तो क्या लिखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विल बी ठीक है, from the will be from the tail of first vector, tail of first vector to the head of, to the head of second vector, पहले के tail से L of first vector to the head of second vector। ये बताओ क्या statement तो लिखा मैंने, क्या समझ आया आपको, हाँ या नहीं ये बताओ। ये जो statement लिखा मैंने क्या वो clear है सभी को, जो मैंने बताया था जैसा बताया था उसी को statement के form में लिखा मैंने, clear है ये statement सभी को। ऐसा नहीं है यार कि घर जाकर के पूरा statement छत पे घूम घूम करके रट रहे हैं, रटने की जरूरत नहीं, आप खुद से ही अगर आपको समझ आ चुका है
खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब इसके बाद सवाल करते हैं फटाफट, अब आप सुनो जाकर कॉपी पेन निकालो, जो भी दो दो तीन दिन सवाल करते हैं इसमें, फिर उसके बाद दूसरा लॉ देखेंगे। चलो भाई मान लो एक वेक्टर इधर की तरफ बी वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर इधर सी हो गया। चलो आर वेक्टर इक्वल्स टू बी प्लस सी वेक्टर, ड्रॉ करो फटाफट, सभी ड्रॉ करो एक बार, उसके बाद देखते हैं किसका सही है किसका गलत। फटाफट ड्रॉ करो इसको, आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। चलो सही है, अब इसके बाद बताना कि किसका किसका सही है एक बार, मैं भी ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या ड्रॉ करना है, बी प्लस सी। चलो भाई मैंने पहले बी वेक्टर ड्रॉ करता हूँ फिर उसके बाद सी, पहले बाद में ये पता चलेगा कि आप पहले बी को ड्रॉ करोगे तो भी सही है, सी को ड्रॉ करोगे तो भी सही है। पहले अपने को ड्रॉ कौन सा करना है, बी, ये लो ऐसा वेक्टर उठा करके मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया वेक्टर बी, इसके सर के ऊपर इसका पैर रखो, ये लो भाई वेक्टर सी, ये हो गया वेक्टर सी, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले के टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन करो, ये लो भाई पहले के टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन करो आर वेक्टर, यही हो गया डायरेक्शन, कहां से कहां तक, पहले के टेल से दूसरे के हेड तक। ये बताओ कितने लोगों का सही है, फटाफट बोलो, हाँ है ना, कितने लोगों का सही है ये बताओ, एक तीन लोगों का मैसेज आया, तीनों लोगों का सही है, बाकी लोग बताओ, जिसका सही नहीं है वो भी गलत है। पुनीत बेटा गलत है, क्या गलत हुआ समझ आया पुनीत, जो गलती हुई क्या वो समझ आ गया कि कहाँ गलती हुई है, हाँ या नहीं ये बताओ पुनीत, ये बताओ कहाँ गलती हुई है समझ आ गया, पहले से सी बना, कोई दिक्कत नहीं भाई, वैसे देखो यार बाद में पता चलेगा कि सी बनाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, लेकिन वैसे वो मैं प्रॉपर्टी जो जो एडिशन ऑफ वेक्टर था उसमें मैं बताता हूँ, ठीक है। बाकी सी ड्रॉ करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए आप लोग यही चीज फॉलो करना है कि जैसा ड्रॉ किया और जैसा सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में ड्रॉ करो, ठीक है। एक बार सीख लेंगे उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। ये मान लो सी वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे, सी वेक्टर और बी हमारा ऐसे, इसके सर के ऊपर बी ऐसा रख दिया मैंने, ये लो भाई ये भी कुछ ऐसा ही आ रहा है, आर वेक्टर दोनों सेम ही है, आर वेक्टर ये वाला भी क्या दोनों सेम ही, क्या दोनों सगल से सेम लग रहे हैं क्या, हाँ है ना ये बताओ भाई, ये बताओ ये दोनों लगभग सेम तो है ना यार, मतलब थोड़ा सा नहीं इधर उधर हो गया वैसे ही विदाउट मेजरमेंट ड्रॉ किया तो, बाकी आएंगे दोनों सेम ही, अगर आप बी प्लस सी करो या सी प्लस बी करो दोनों सेम ही आएंगे, लेकिन अभी के लिए आपको सीक्वेंस जो दिया हुआ है वही सीक्वेंस में ड्रॉ करना है, ठीक है। आगे चल के मैं ये चीज एक्सप्लेन करूँ। चलो अगला सवाल देखते हैं, अब ये वाला सभी का सही होना चाहिए, चलो मान लो अपने पास एक वेक्टर ए हो गया दूसरा वेक्टर बी हो गया, चलो आर वेक्टर इक्वल्स टू ड्रॉ करो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, आर इक्वल्स टू बी प्लस ए, फटाफट ड्रॉ करो आर इक्वल्स टू बी प्लस ए वेक्टर। चलो यार शुरू करते हैं अपने पास, यहां से देखो आर इक्वल्स टू बी प्लस ए, चलो पहले मैंने बी ड्रॉ कर लिया, ये रहा बी वेक्टर, उसके बाद इसके सर के ऊपर ए का पैर रखा ए वेक्टर, हम क्या कर रहे हैं पहले के टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन करो, ये लिया भाई आर वेक्टर, आर इक्वल्स टू बी प्लस ए, कितने लोगों का सही है फटाफट बोलो, बी प्लस ए, पुनीत, चलो पुनीत का सही हो गया इस बार, पुनीत का सही है, रोहित का भी सही है। चलो अगला सवाल, किसी का भी गलत नहीं हो रहा, ये मान लो ए वेक्टर हो गया ये मान लो बी वेक्टर हो गया, चलो R वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस बी, फटाफट ड्रॉ करो R वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस बी वेक्टर, R इक्वल्स टू ए प्लस बी वेक्टर ड्रॉ करो। R इक्वल्स टू ए प्लस बी, दोनों ने कर लिया, बाकी लोग भी फटाफट करो,
यार तीन लोगों का ही जवाब आया है बात फटाफट यार तुम लोग कितने आलसी क्यों हो जाते हो यार। ये फटाफट यस और नो ही तो लिखना रहता है बस वाई और एन लिखना है व्हाट्सएप पे आधे आधे घंटे चुप नहीं बैठो भैया जहां पे दो एक बार वाई और एन लिखने में जान नहीं मिल रही। चलो यार यहाँ से देखो आर इक्वल्स टू ए प्लस बी अगर लिखना है तो चलो यार पहले तो लिख दिया ए वेक्टर ड्रॉ कर लिया ऐसे ए वेक्टर ठीक है भाई थोड़ा सा बराबर ही ड्रॉ करते हैं इधर उधर ज्यादा ए हो गया। उसके बाद ए के सर के ऊपर क्या करना है बी करना है ये लोग उठा करके यहाँ से रख दो बी वेक्टर ये हो गया। क्या करेंगे अब यहाँ से इन दोनों का रिजल्ट कौन सा होगा दोनों को ज्वाइन करो पहले के टाइम से लास्ट वाले के हेड की तरफ डायरेक्शन यही होगा आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। फटाफट बोलो कितने लोगों का सही है सभी का सही हुआ आगे बढ़ेंगे सभी का सही हुआ तो फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट बोलो जल्दी से कितने लोगों का सही है चलो अभी बताइए इस तरीके से ड्रॉ करना अगर हो। चलो यार एक सवाल और कर लो यार थोड़ी जगह खाली है बोर्ड पे ये भी क्यों रहा है ये मान लो बी वेक्टर हो गया ये मान लो सी वेक्टर हो गया। चलो यार आर वेक्टर इक्वल्स टू बी प्लस सी ड्रॉ करो आर वेक्टर इक्वल्स टू बी प्लस सी फटाफट ड्रॉ करो और नेक्स्ट अगला लॉ पढ़ते हैं आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। R equals to vector B plus vector C, draw करो इसको। यार तीन चार लोग छोड़ गए ना तुम लोग बाकी लोग सोए रह रहे बार बार बोलना पड़ रहा है। चलो भैया देखते हैं अब यहाँ से R equals to B plus C, ये लो भाई vector B हो गया इसके सर के ऊपर C का पैर रखो ये रहा C, इन दोनों को ज्वाइन करो पहले के टेल से दूसरे के हेड की तरफ ये रिजल्ट है कितने लोगों का सही R equals to B plus C कितने लोगों का सही हो गया फटाफट बोलो फिर आगे नहीं अगला लॉ पढ़ते हैं। उन्हीं तुमने बस एक ही गलती की है बाकी सब सही आ रहा है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग कौन कौन जवाब दिया है पुनीत अलविना रोहित तीन लोग फिर से वही तीन लोग चार लोग बाकी लोग ऐसे ही बैठे रहे फिर थोड़ी देर बाद दिन बाद समझ आना बंद हो जाएगा। अब अगला लॉ देखते हैं हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ठीक है पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन मतलब यहाँ से रिजल्टेंट ये भी कितने वेक्टर के लिए एप्लीकेबल होगा दो वेक्टर के लिए हम कितने वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना रहेगा दो वेक्टर का ठीक है एप्लीकेबल ये भी कितने वेक्टर के लिए रहेगा भाई दो वेक्टर एप्लीकेबल फॉर टू वेक्टर दो वेक्टर के लिए ही ये एप्लीकेबल होगा दो वेक्टर के लिए ही। अब ये क्या होता है इसमें हम लोग इसमें क्या होता है कि जैसे वहां पर हम लोग ट्राइंगल के दो एडजेसेंट साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते थे और एक के सर के ऊपर दूसरे का पैर रखते थे इसने उसी बात को थोड़ा सा अलग तरीके से बोला कि मान लो अपने पास एक वेक्टर ए हो गया और दूसरा वेक्टर ऐसा बी हो गया ठीक है तो ये लॉ कहता है कि आप दोनों जो वेक्टर हैं ठीक है उसको एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स के द्वारा इस तरह रिप्रेजेंट करें कि दोनों का टेल एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो यानी एक वेक्टर ये रहा और दूसरा वेक्टर ये। अब हमें क्या करना है दोनों का टेल ज्वाइन करना दोनों का अगर टेल अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से जो पास होने वाला डायगोनल होगा वो क्या देगा हमें रिजल्टेंट। तो पहले थोड़ा सा इसको विड्रॉ कर लेते हैं और ये रहा ठीक है ये हमारा जो डायगोनल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा रिजल्टेंट होगा ठीक है। एक तरह से देखो यार ए वेक्टर ये रहा बी वेक्टर ये रहा क्योंकि इसके पैरेलल इसको शिफ्ट किया तो ये भी बी वेक्टर ही होगा। तो यहाँ से बेसिकली क्या हो रहा है ट्राइंगल लॉ को थोड़ा सा अलग तरीके से ड्रॉ कर क्या कि अब दोनों के टेल को ज्वाइन करो एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स द्वारा रिप्रेजेंट करना उससे पास होने वाला डायगोनल उसका रिजल्टेंट होगा है एक तरह से वही क्या ये समझ आया तुम्हें हाँ या नहीं ये बता ऐसी चीजें बहुत बार पहले भी कर चुके फटाफट बोलो क्या समझ आया
आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस बी, क्या क्लियर हो गया? जहां नहीं समझ आए बता देना, वही एक बार दो बार जितनी बार रिपीट करना हो कर दूंगा मैं। चलो एक दो पहले देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हम लोग अगर स्टेटमेंट लिखेंगे। मान लो एक वेक्टर बी हो गया, दूसरा वेक्टर अगर कुछ इस तरीके से सी दिया हुआ, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स द्वारा रिप्रेजेंट करो। ये लो भाई वेक्टर बी, दूसरा यहाँ से कुछ इस तरीके से होगा, तो इससे पास होने वाला जो डायगोनल होगा, तो डायगोनल ड्रॉ करने से पहले आप एक बार कुछ इस तरीके से बना लेना कि हाँ यार इसकी पैरेलल और इसकी पैरेलल ड्रॉ कर, ठीक है। ये हमारा फाइनली क्या होगा, इससे पास होने वाला डायगोनल ये होगा, यही उनका रिजल्ट होगा, डायरेक्शन वही होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इधर की तरफ। क्या ये समझ आ गया? हाँ या ना ये बताओ, क्या ये क्लियर हो गया? चलो भाई फटाफट अगला सवाल आप लोग, अब आप लोग ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करना शुरू करो वेक्टर ए, वेक्टर बी, आर वेक्टर इक्वल्स टू हमें ड्रॉ करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, फटाफट ड्रॉ करो, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस बी ड्रॉ करो, कुछ नहीं करना, दोनों के एडजेसेंट एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स के थ्रू रिप्रेजेंट करो, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसके डायगोनल से पास होगा जो, वही हमारा क्या होगा इनका रिजल्टेंट, आर इक्वल्स टू ए प्लस बी ड्रॉ करो फटाफट, आर इक्वल्स टू ए प्लस बी। चलो यार अब एक बार मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से देखो यार पहले आर इक्वल टू ए प्लस बी ड्रॉ करना है, ठीक है भाई, पहले मैंने क्या किया ए ड्रॉ कर दिया, इसके पैरेलल ए वेक्टर ड्रॉ कर दिया, बी वेक्टर नीचे के डायरेक्शन में, ये हो गया बी वेक्टर। अब क्या करना है अपने को, पहले तो थोड़ा सा इसके पैरेलल ड्रॉ कर लो और इसके पैरेलल ड्रॉ कर लो, ताकि हमें डायगोनल के बारे में थोड़ा आइडिया लग जाए, अदरवाइज कोई इधर ड्रॉ कर देगा, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर ड्रॉ कर देगा, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले थोड़ा पैरेलल ड्रॉ कर लेना। आर वेक्टर ये रहा, यही हमारा क्या होगा, कितने लोगों का सही है? पहले आप डायगोनल ड्रॉ करने से पहले ये पैरेलल और ये पैरेलल लाइन ड्रॉ जरूर कर लेना, ऐसा नहीं कि बस किसी भी कोने में बिठा दी उसको, किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर दी, उन लोगों का सही भी हो रहा है या ऐसे ही बस यस यस लिखे जा रहा है, ठीक है इनको क्या पता चलने वाला है, लिख दो ये बेटा, इससे तो मान तुम लोग का ही नुकसान होगा, सही में सही हो रहा है या फिर ऐसे ही लिख दे रहे हो, कौन इनकी बात ये ड्रॉ करे, चलो ठीक है समझ तो आ ही रहा है। चलो ये अगले सवाल करो फटाफट, आज ये सब काम करेंगे केवल इधर से उधर वेक्टर लिख लिख के ड्रॉ ही करना अपने, ये मान लो वेक्टर बी हो गया, ये मान लो वेक्टर सी हो गया यार, ये लो ऐसा तो ड्रॉ हो ही गया, कुछ अलग कर लेते हैं, चलो आंसर ले लेते हैं, आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या ड्रॉ कर लेते हैं, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, चलो फटाफट ड्रॉ करो इसको, आर इक्वल्स टू बी प्लस सी, कुछ नहीं पैरेललोग्राम ड्रॉ करना, एक जल्दी करो, एक सवाल और करेंगे। सर इसमें डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, आर वेक्टर वही बताया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना दोनों वेक्टर का, तो वहां से जो दूसरा एंड जो आता है उसकी तरफ है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से दूसरे एंड की तरफ हो। चलो यार एक बार मैं भी ड्रॉ कर लेता हूँ वेक्टर बी प्लस सी, ये लो भाई वेक्टर बी ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं, पहले ये रहा वेक्टर बी और ये रहा वेक्टर सी, ठीक है। अब यहां से क्या किया हमने, इसके पैरेलल पहले थोड़ा सा ड्रॉ कर लो, ये इससे पास होने वाला जो डायगोनल होगा वही क्या होगा इसका रिजल्टेंट, आर इक्वल्स क्या आया बी प्लस सी, क्या ये देखो डायरेक्शन यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इधर की तरफ, क्या समझ आ गया, आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, क्या समझ आ गया सभी को, हाँ ये ना, एक आखिरी सवाल इस पे, फिर उसके बाद इसके स्टेटमेंट लिख के आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल कैसा दे दिया जाए, लो एक सवाल और कर लेते हैं, वेक्टर मान लो इधर की तरफ एक ले लेते हैं वेक्टर ए, दूसरा ले लेते हैं इधर की तरफ,
वैसे ही किसी को मैंने दोबारा दे दिया। चलो आर इक्वल्स टू हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये ड्रॉ करना, आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ड्रॉ करना। करो फटाफट, आर इक्वल्स टू ए प्लस बी। चलो यार हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, आर इक्वल टू ए प्लस बी करना है। ओके चलो यहाँ से देख लेते हैं, ए प्लस बी पहले ये ड्रॉ कर लो, ये हमने ए ड्रॉ कर लिया, यहाँ से ऊपर के डायरेक्शन में बी ड्रॉ कर लिया, अब बस इसके पैरेलल ले आते हैं, इसके पैरेलल ऐसे ले आते, यहाँ से इधर की तरफ ये डायरेक्शन ये एड ये ज्वाइन कर दो, यही हमारा क्या होगा रिजल्ट। कितने लोगों का सही था, कितने लोगों का सही था ये बताओ। चलो चलो यार इसके बारे में एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसका भी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की तरफ। ठीक है देखो चलो यहां से देखते हैं हम लोग पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में, कि इफ टू वेक्टर्स आर, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड एज एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑफ अ पैरेललोग्राम सच दैट दियर टेल आर ज्वाइंट आर ज्वाइंट विथ ईच अदर, विथ ईच अदर तो क्या हो जाएगा, अगर उनके टेल को एक साथ ज्वाइन करके अगर एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, देन द डायगोनल पासिंग थ्रू, देन द डायगोनल पासिंग थ्रू, डायगोनल पासिंग थ्रू दियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी बिल्कुल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, विल बी द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, विल बी द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या ये चीज क्लियर हो गया, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ये बताओ इस स्टेटमेंट में किसी को कोई डाउट, ये स्टेटमेंट जो निकालने का किसी को इसमें कोई डाउट, समझ आ गया सभी को, हाँ या ना ये बताओ, ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया सभी को। जहां जो भी लाइन नहीं समझ आया तो बेझिझक पूछ लेना, और इसका डायरेक्शन क्लियर होगा, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विल बी फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू अपोजिट कॉर्नर, अपोजिट वर्टेक्स लिंक। ठीक है तो अपोजिट वर्टेक्स से लेक की तरफ होगा ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो चलो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो लॉ हमने देखे कितने वेक्टर मिले, दो वेक्टर के लिए। ठीक है दो वेक्टर हमें मिलेगा, दोनों का रिजल्टेंट हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसके लिए, तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये क्या होगा, अभी तक हम लोग दो ही वेक्टर के लिए बात कर रहे थे, लेकिन अब हमें हमें क्या करना है कि मान लो कोई तीन वेक्टर दे दे, कोई चार दे दे, कोई दस दे दे, अगर उसका रिजल्टेंट अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन सा लॉ, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम ये चीज देखते हैं कि अगर मान लो दो से ज्यादा अगर वेक्टर दिया हो तो कैसे उनका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो एक तरीके से यार बोल सकते हो कि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर का ही एक्सटेंडेड वर्जन बोल सकते हो, कि जो काम हमने वहां पे किया था
वही काम हो गया। यहाँ से यहाँ पे ज्यादा वर्क करना रहेगा। मान लो तीन वेक्टर लिया हमने, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये तीन वेक्टर है और तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अगर तीनों का रिजल्टेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे ये समझ, ठीक है? तो देखो यार, हमारे पास ये दिया हुआ है आर इक्वल्स टू क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी। क्या करेंगे, ये पॉलीनम लॉ भी यही बोलता है कि आप जो भी तीन चार पांच दस जो भी वेक्टर्स हैं उन सबको एक पॉलीगन के एडजेसेंट साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट करो, ठीक है? साइक्लिक मान लो, तो जो क्लोजिंग साइड होगा वो हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट। और कैसे रिप्रेजेंट करना, तो पहले के टेल के ऊपर दूसरे का हेड, दूसरे के हेड के ऊपर तीसरे का टेल, तो ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? एक बार और ढंग से सुनो, कुछ नहीं ट्राइंगल हो समझ आ रही, ये भी वो वही है, वहां पे हम लोग एक दो बार करते थे, यहाँ पे उससे ज्यादा बार करना पड़ेगा। ये लॉ बोलता है कि जो भी अगर आपके पास तीन चार पांच दस जितने भी वेक्टर उन सबको एक पॉलीगन के एडजेसेंट साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट करो, कुछ इस तरह से कि पहले के टेल के ऊपर दूसरे का हेड, दूसरे के हेड के ऊपर तीसरे का टेल। अगर आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, जैसे यहाँ पे देख लो, मान लो ये वेक्टर पहला हमने ड्रॉ कर लिया, इसके सर के ऊपर बी का टेल रख दो, इसके सर के ऊपर सी का टेल रख दो, तो ये क्या बताता है कि जो क्लोजिंग साइड होगा पॉलीगन का, अब यहाँ पे क्या बन रहा है, पॉलीगन बन रहा है, तो ये क्लोजिंग साइड जो होगा पॉलीगन का वही हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा इन सारे वेक्टर्स। और डायरेक्शन किधर से किधर, पहले के टेल से लास्ट वाले के हेड की तरफ। मुझे लग रहा है तुमको समझ आ गया, हाँ या ना ये बताओ, क्योंकि यही काम हम लोग ट्राइंगल और वेक्टर एडिशन में भी करते थे, उसमें बस दो वेक्टर के लिए करते थे, इसमें चार पांच दस जितने वेक्टर दे देंगे सबके लिए करना रहेगा। क्लियर हुआ ये चीज, हाँ या ना ये बताओ। तो चलो एक सवाल और मैं करता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग करना है। यहाँ से मान लो एक वेक्टर हमने ले लिया ए, दूसरा वेक्टर कैसा ले लिया, दूसरा वेक्टर ले लो कुछ इस तरह से बी, और तीसरा वेक्टर ऐसे ले लो सी, ठीक है? हमें मान लो निकालना है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। अगर ये ड्रॉ करना है आर इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, अगर ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करें, चलो भाई पहले ये ड्रॉ कर लो, उसके बाद इसके सर के ऊपर बी का पैर, बी ड्रॉ कर लो, फिर इसके सर के ऊपर सी का पैर, तो ये हमारा सी हो गया। तो हमें क्या करना है फिर फाइनली, तो यहाँ पहले के टेल से लास्ट वाले के हेड को ज्वाइन कर दो, यही हमारा क्या होगा, रिजल्ट। क्या क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना ये बताओ, समझ आया सभी को, क्या ये क्लियर हो गया सभी को, हाँ या ना? चलो फिर अब आप लोग लिखो, अब आप लोग ट्राई करना शुरू करो। कुछ नहीं, पहले जो काम करते थे वही काम अब यहाँ पे उससे ज्यादा बार करना है। पहले एक बार दो बार करते थे दो वेक्टर के लिए, अब दो से ज्यादा वेक्टर के लिए। मान लो एक वेक्टर ए हो गया और दूसरा ये बी हो गया, तीसरा ये सी हो गया। आर इक्वल्स टू निकालो ए प्लस बी प्लस सी, आर इक्वल्स टू निकालो ए प्लस बी प्लस सी, फटाफट निकालो आर इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी निकालो, ड्रॉ करो जल्दी से, आर इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ड्रॉ करो यार, रिप्लाई कर दिया करो यार। चलो यहां से देखते हैं, अपने पास ए प्लस बी प्लस सी ड्रॉ करना है। ये लो भाई, पहले ये ड्रॉ कर लिया हमने ए, इसके बाद इसके सर के ऊपर हमने बी का पैर रखा और बी ड्रॉ कर लिया, उसके बाद इसके सर के ऊपर ये ड्रॉ कर लिया सी, यही कुछ ऐसा ही आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले के टेल से लास्ट वाले के हेड की तरफ, यही हमारा रिजल्टेंट होगा। कितने लोगों से ये, फटाफट बोलो कितने लोगों का सही है, चलो आगे बढ़ो अपना अगला सवाल। बेटा जो भी अगर डाउट हो कभी बोल दिया करना कि सर ये नहीं समझ आया। चलो अगला सवाल,
एक मान लो ए, दूसरा मान लो बी, तीसरा मान लो सी, चौथा मान लो डी, कुछ इस तरह से। चलो आर इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये निकालना है। आर इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालना। आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चलो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, पहले तो ए ड्रॉ कर लो, ये लिया ए उठा करके ए ड्रॉ कर लिया, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, और ये हमारा हो गया रिजल्टेंट कैपिटल आर। कितने लोगों का सही है? आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कितने लोगों का सही है? ए, सभी का सही हो रहा है। चलो फिर एक आखिरी सवाल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ए बी सी डी ई, चलो आर इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस डी प्लस सी प्लस एक काम करो ई वेक्टर ऐसा ले लेते हैं प्लस ई ड्रॉ कर लो। चलो यहां से देख लेते हैं अपने पास, ड्रॉ करते हैं पहले। ये मान लो ए वेक्टर हमने ऐसा लिया, इसके सर के ऊपर ए के बाद बी, ये लो भाई बी ड्रॉ कर लिया, फिर उसके बाद डी, ये लो डी ड्रॉ कर लिया, उसके बाद कौन सा सी, सी कुछ इधर की तरफ आएगा, और उसके बाद ई वेक्टर, यही है। कुछ नहीं, रिजल्टेंट निकालना है, पहले के टेल से लास्ट वाले के हेड को ज्वाइन करो, यही आया है क्या? यार बताओ, दो लोगों का ही जवाब आया फटाफट यार, बाकी लोग बोले यार एक समृद्धि का सही है, रोहित पुनीत। चलो अब इसके स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले एक चीज, उसके बाद अपन एक पॉइंट देखेंगे इसके बारे में। तो क्या है अपने पास, n vectors are represented as, n vectors are represented as the adjacent sides of a polygon, adjacent sides of a polygon such that क्या होगा कि on the head of one vector there is a tail of another vector, then closing side of the polygon will be resultant of the vectors। क्या ये समझ आया सभी को? हाँ है ना, ये बताओ किसी को इसमें कोई डाउट ये बताओ भाई, किसी को इसमें कोई डाउट है क्या? चलो एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विल बी फ्रॉम द टेल ऑफ
फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, पहला फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, ठीक है, हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, यही हमारा डायरेक्शन होगा, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन भी कर लिए, एक और पॉइंट हमें देखना है अपना, ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं, ये हमारा पॉलीगन लॉ खत्म हो गया। अलग अलग ज्योमेट्रिकली अगर हमें अगर वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे, कैसे उनका रिजल्टेंट निकालेंगे, वो हमने पूरा देख लिया, ठीक है, ये हमने पूरा देख लिया। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि एक छोटा सा इसमें पॉइंट की मान लो अगर चार पांच वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो सपोज एक वेक्टर हमने ये ले लिया, इसके सर के ऊपर दूसरा वेक्टर बी, इसके सर के ऊपर दूसरा वेक्टर सी, और ये मैंने ले लिया रिजल्टेंट आर, ठीक है। ये अगर ऐसा लिखा हुआ है तो मैं आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये लिखेंगे। हाँ ये बताओ क्या ये लिखना रहेगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, यही रहेगा अपना। तो अब एक बार सोचो कि यहाँ से अगर मैं ऐसे लिखू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस ऑफ आर वेक्टर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, हाँ आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस आर वेक्टर, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस ऑफ आर वेक्टर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, ये प्लस माइनस को ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस ऑफ आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या है जीरो वेक्टर, ये चीज लिख सकते हैं, हाँ कि नहीं ये बताओ पहले, ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस ऑफ आर वेक्टर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, नल वेक्टर क्या होता है ये सब बताया हुआ है मैंने। अब एक बात देखो यार, ये जो पॉइंट जो हमें यहाँ पे मिल रहा है ना, वो पॉइंट क्या मिलेगा कि अगर मान लो आपके पास एन वेक्टर हो, जैसे यहाँ से देखो हम रिजल्टेंट निकाल रहे थे, तो तीन वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल रहे थे और पॉलीगन कितने साइड का मिल रहा था, चार साइड वाला पॉलीगन मिल रहा था। लेकिन अगर ये देखा जाए कि अगर सपोज यहाँ से देखो, अगर इसको ड्रॉ करके एक बार दिखाता हूं मैं कैसा बनेगा, ए वेक्टर इधर की तरफ, बी वेक्टर इधर की तरफ, सी वेक्टर इधर की तरफ और माइनस ऑफ आर वेक्टर इधर की तरफ, ठीक है, ए वेक्टर इधर की तरफ, बी इधर, सी इधर और माइनस आर वेक्टर इधर की तरफ। तो अब एक बार देखो यार, पहली डिटेल और लास्ट वाला का हेड यही पे आ रहा है, तो कैसा वेक्टर मिल रहा है, जीरो वेक्टर। अब एक बार सोचो, ये बोला जा रहा है कि अगर आपके पास एन वेक्टर हो, जैसे यहाँ पे चार है, और अगर आप उतने ही साइड वाले पॉलीगन के तौर पे ड्रॉ करोगे तो आपको एक जीरो वेक्टर मिलेगा। पॉइंट ध्यान से सुनो कि अगर आपके पास चार वेक्टर हैं और अगर उनको आप चार साइड वाले पॉलीगन के तौर पे रिप्रेजेंट करोगे तो एक जीरो वेक्टर मिलेगा। यहां से देखो, मेरे पास तीन है और मैंने चार साइड का पॉलीगन लिया तो जीरो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर चार वेक्टर है और उनको चारों को एक पॉलीगन, चार साइड वाले पॉलीगन के तौर पे अगर रिप्रेजेंट करें तो कैसा मिलेगा आपने को, जीरो वेक्टर। तो यही चीज याद रखना कि इफ एन वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन साइक्लिक मैनर, यार रिप्रेजेंटेड as polygon of n sides, polygon of n sides, then the resultant will be, then their resultant will be null vector. कि अगर मान लो आपके पास चार वेक्टर है और उनको चार साइड वाले पॉलीगन के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको कैसा वेक्टर मिलेगा, एक नल वेक्टर मिलेगा। क्या ये पॉइंट सभी को समझ आया, हाँ या नहीं ये बताओ फटाफट, ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को,